हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस। यानी के खाना खाना किस लिए? एनर्जी लेने के लिए और मटेरियल्स लेने के लिए, सो दैट जो लाइफ प्रोसेसेस है वो सारी जो है मेंटेन हो सके। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन की टाइप। तो न्यूट्रिशन जो है इसकी बेसिकली जो है दो टाइप्स होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों में क्या फर्क है, एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। What is autotrophic nutrition? ये ऐसा nutrition होता है जिसमें जो individual है अपना food खुद बना सकता है, यानी के the organism can make its own food। और इसके भी दो होती है types। पहली है photosynthesis। photosynthesis में क्या होता है कि light energy is used to make the food। ज्यादातर plants जो है वो photosynthesis perform करते हैं, तो light energy को use करते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया photosynthesis। ये देखिए एक प्लांट जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसको क्या क्या कुछ चाहिए? एक तो इसको सनलाइट चाहिए, यानी कि ये लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है टू मेक द फूड। इसके अलावा रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो पचाती हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होती है, वो कहाँ होती है? लीव्स के अंदर होती है। और यहाँ पर जो स्टोमेटल अपर्चर्स होते हैं उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। सो ये हो गया अबाउट फोटोसिंथेसिस। मेन बात ये है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? लाइट है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो दूसरी टाइप है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है? कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में भी फूड जो है वो खुद ही बना रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? केमिकल एनर्जी यूज हो रही है। सो सल्फर बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी के कीमोसिंथेसिस से अपना जो है फूड बनाते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, इन सब ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोड्यूस करते हैं खाना फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, तो ये है प्रोड्यूसर्स। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? This is the kind of nutrition in which an organism cannot make its own food, so it has to depend upon somebody else for food. इसकी भी होती है तीन types, जैसे कि फर्स्ट टाइप इज होलोजोइक। इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है, और उसकी डाइजेशन कहाँ होती है? इनसाइड द बॉडी होती है। सो फूड इज इंजेस्टेड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एंड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। किसमें मिलता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये टाइप, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये मिलता है अमीबा, पैरामीशियम एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन, मैन एक्सेट्रा। यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। दूसरी काइंड कौन सी? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की पैरासिटिक। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं पैरासाइट, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है जिसको हम कहते हैं होस्ट। सो पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। और इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं पैरासाइट्स की, जैसे कि लाइस, लीच, टिक्स, टेपवर्म एटसेट्रा। ये पैरासाइट्स अगर होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तो इनको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है, अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो इनको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है। इसी तरह से हम इनको टेम्पररी या परमानेंट पैरासाइट्स की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, वो कहाँ से फूड लेता है? वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेता है, यानी के मरे और गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर से। सो सेप्रोट्रॉफ्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि बहुत सारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। तो ये होगी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तीन टाइप्स। थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं, हम देखते हैं कि
अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ये एक अमीबा का सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मींस फॉल्स, पोडिया मींस फुट, तो ये है इसके स्यूडोपोडिया। जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो जो स्यूडोपोडिया है वो फूड के अराउंड सराउंड कर लेते हैं एंड दीज स्यूडोपोडिया दे फ्यूज ओवर दिस फूड एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर है फूड, यहाँ पर ही फूड की डाइजेशन हो जाएगी, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वेस्ट अंदर रह जाएगी। अब ये जो वैक्यूल है वेस्ट वाला, ये मेम्ब्रेन के पास आएगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और खुल जाएगा और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि इजेशन हो जाएगी वेस्ट की। सिंपल, ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो जो फंजाई है इसमें क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड एंड देन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ये सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर फंगल मेंबर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ बाहर ही फूड की डाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है फूड वो डाइजेस्टेड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया न्यूट्रिशन इन फंजाई। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।